अब नेक्स्ट जो हमने प्रोसेस डिस्कस करना है, ये हार्मफुल गैसेस तो वही कंप्लीट, नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें सबसे पहला प्रोसेस आ जाता है कैटलेटिक कन्वर्टर। ठीक है, तो कैटलेटिक कन्वर्टर बेसिकली क्या है कि सिंपली अगर हम कैटलेटिक कन्वर्टर को डिफाइन करें तो सिंपल सिस्टम है ये, जस्ट सिंपल आप इसको यूं कहने के कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स कंटेन जो आपकी मतलब कार्स होती हैं इनसे जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं, ये मतलब इंजन से जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं उनको एग्जॉस्ट में जाने से पहले जो है कन्वर्ट कर देता है लेस हार्मफुल गैसेस में। तो कैटलेटिक कन्वर्टर का काम क्या है कि इट कन्वर्ट्स हार्मफुल गैसेस इनटू हार्मलेस गैसेस। कैटलेटिक कन्वर्टर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स यूज्ड टू कन्वर्ट हार्मफुल गैसेस इनटू हार्मलेस सही है। गैसेस यूज्ड इन ऑटो के बाद क्या लिखा है? ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, कार्स कह लें तो यूज इन ऑटोमोबाइल्स यूज टू कन्वर्ट हार्मफुल गैसेस इनटू हार्मलेस गैसेस। ठीक है, तो ये हार्मफुल गैसेस को सिंपली कन्वर्ट करता है किसमें, हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स हार्मफुल गैसेस इनटू हार्मलेस गैसेस, कैसे कन्वर्ट करता है वो हम प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो कैटलेटिक कन्वर्टर जो है ये सिंपली किस टाइप का होता है, बेसिक से हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लेट से ये आपके पास जो कार इंजन से जो वेस्ट गैसेस आती हैं, ठीक है, सपोज दिस इज कैटलेटिक कन्वर्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट, कैटलेटिक कन्वर्टर मतलब आप कोई ना कोई कैटलिस्ट यूज कर रहे होंगे, तो कैटलिस्ट यूज्ड इज प्लैटिनम मोस्ट ऑफ द टाइम। कैटलिस्ट यूज्ड इज प्लैटिनम। ठीक है, यहाँ जो कैटलिस्ट आप यूज करते हैं दैट इज प्लैटिनम। ठीक है, और जस्ट सिंपली इसकी जो है वो रॉड्स होती हैं जो कि पूरे कन्वर्टर के अंदर ये मैश्ड फॉर्म में मौजूद होती है। तो लेट सपोज ये कैटलेटिक कन्वर्टर। ठीक है, और इसमें ये प्लैटिनम की रॉड लगी। अब होता क्या है कि आप हार्मफुल गैसेस जो है वो इसमें एंटर करते हैं, तो फ्रॉम वन साइड फ्रॉम कार इंजन साइड हार्मफुल गैसेस जो है वो एंटर होती हैं। लेट सपोज यानी फ्रॉम दिस साइड हार्मफुल गैसेस एंटर्स। ठीक है, हार्मफुल गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये हार्मफुल गैसेस यहाँ से पास होती हैं तो इन दिस चैम्बर वेयर कैटलिस्ट इज प्रेजेंट, तो ये जो हार्मफुल गैसेस हैं दे स्टार्ट रिएक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, यानी ये जो कैटलिस्ट है प्लैटिनम, इसका काम क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे इजिली रिएक्शन हो सके। ठीक है, तो बोथ दी हार्मफुल गैसेस बोथ दी हार्मफुल गैसेस रिएक्ट्स विद ईच अदर। बोथ दी हार्मफुल गैसेस रिएक्ट्स विद ईच अदर इन कन्वर्टर इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है, प्लैटिनम। प्लैटिनम की प्रेजेंस में सिंपल क्या होता है कि हार्मफुल गैसेस रिएक्ट विद ईच अदर। तो रिएक्शन क्या होगा, आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि जी राइट द केमिकल रिएक्शन व्हिच हैपेंस इन कैटलेटिक कन्वर्टर। तो कैटलेटिक कन्वर्टर में जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन आपने लिखना है। तो सिंपल रिएक्शन क्या होगा कि बोथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस ऑक्साइड दे विल रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, इनका आपस में रिएक्शन होगा कहाँ पे, इन दिस कैटलेटिक कन्वर्टर। ये जो हार्मफुल गैसेस हैं दीज गैसेस एंटर्स इनटू द चैम्बर वेयर प्लैटिनम इज प्रेजेंट। ठीक है, और इन दोनों गैसेस के दरमियान यहाँ पे यानी अब प्लैटिनम जो है वो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है, रिएक्शन को कैटलाइज करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन। तो दीज आर हार्मफुल गैसेस। ये क्या है, दीज आर हार्मफुल गैसेस जो कि कार इंजन से रिलीज होकर एग्जॉस्ट में जा रही थी और एयर में जा रही थी। आपने क्या किया, हार्मफुल गैसेस को, अब आप कहें जी कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हार्मफुल है, तो
बट ये इन अ लॉन्ग रन हार्मफुल है कि एक लंबे अरसे के बाद जाके जो है वो ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ना शुरू होते हैं। बट कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजनस डाइऑक्साइड ये तो मतलब आप कहने के सिवियर टाइप का जो है वो नुकसान करेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, तो बोथ दीज गैसेस, दीज आर हार्मलेस गैसेस। तो हार्मफुल गैसेस जो है ये किसमें कन्वर्ट हो गई, इट कन्वर्ट्स इनटू हार्मलेस और लेस हार्मफुल कहने, हार्मलेस गैसेस। और इसको बैलेंस करें रिएक्शन को, तो ये जो रिएक्शन है ये कहाँ हो रहा है, कैटालिटिक कन्वर्टर में। कन्वर्टर में कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजनस ऑक्साइड का आपस में रिएक्शन होता है एंड दीज गैसेस कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन विच आर हार्मलेस गैसेस। ये जो नाइट्रोजन है इसको तो हम लास्ट में ही बैलेंस कर सकते हैं किसी भी नंबर के साथ। यहाँ पे एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है, तो हम कार्बन जो है वो इसको दो कार्बन कर देते हैं। ऑक्सीजन अब कितने हो गए, चार, और इसके साथ टू लगा दें तो ये कार्बन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। ठीक है, सिंपल अगर आप देखें तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन और दो ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन, ये कितने हो गए, चार, 2 टू 4। नाइट्रोजन कितने हैं, एक, तो यहाँ पे वन करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, दिस वुड बी 1/2, हाफ कर दिया, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसको आपने अगर होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस बिकम्स 4CO+2NO2 गिव्स 4CO2+N2, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। ठीक है, तो दिस रिएक्शन हैपेंस इन कार इंजन्स, इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स, जहां पे जो हार्मफुल गैसेस हैं, दीज आर दी हार्मफुल गैसेस। तो दीज हार्मफुल गैसेस रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है एंड दीज कन्वर्ट्स इनटू हार्मलेस गैसेस या लेस हार्मफुल गैसेस कह लें आप। ठीक है, तो ये लेस हार्मफुल गैसेस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। तो ये दिस इज कैटालिटिक कन्वर्टर वर्क्स। हाँ जी, समझ आई ये बात। अच्छा, ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन कैटालिटिक कन्वर्टर। चलें, ये क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आ चुका है, इसका आंसर करें कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन कन्वर्टर। ये व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन कैटालिटिक कन्वर्टर। जी, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन कैटालिटिक कन्वर्टर, कौन सी टाइप का रिएक्शन हो रहा है, ये जो हमने रिएक्शन लिखा है ये क्या कहलाएगा। जी बेटा, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर्स इन कैटालिटिक कन्वर्टर, रेडॉक्स होता है। रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि अगर आप सिंपल यहाँ पे देखें तो इसमें कार्बन जो है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो इन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, और ये +2 से डाइऑक्साइड में +4 की स्टेट में गया, तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड, इसने सॉरी ऑक्सीडाइज्ड, इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए। नाइट्रोजन जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पे -2 × 2 -4, तो नाइट्रोजन +4 और ये +4 से 0, तो ये रिड्यूस हुआ है, तो दैट मीन्स इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज अ रिडॉक्स। तो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन कैटालिटिक कन्वर्टर, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड में मौजूद कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और नाइट्रोजन जो है ये रिड्यूस हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। और ये सिंपल कहाँ पे हो रहा है, इन कैटालिटिक कन्वर्टर। और कैटलिस्ट हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, प्लैटिनम वुड बी यूज। अच्छा, प्लैटिनम के अलावा पैलेडियम कैन ऑल्सो बी यूज। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है इट कुड बी प्लैटिनम और इट कुड बी पैलेडियम। ठीक है जी, तो ये जस्ट सिंपल आपको ध्यान में रखना है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो हो गया यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर टू कन्वर्ट हार्मफुल गैसेस। अब कार इंजन से कौन सी हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही है, अगर आप देखें तो ये दोनों हार्मफुल गैसेस हम पढ़ चुके हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि डायरेक्ट बॉडी में ऑक्सीजन की कमी करती है, नाइट्रोजनस ऑक्साइड जो कि एसिड रेन कॉज करते हैं। तीसरा जो बड़ा हार्मफुल आप कह लें कि एयर पोल्यूटेंट है, विच इज सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके रिमूवल के लिए हमने क्या टर्म यूज की थी, फ्ल्यू गैस डीसल्फराइजेशन। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन बेसिकली क्या है, फ्लू गैसेस दीज आर वेस्ट गैसेस। ठीक है, फ्लू गैसेस क्या होती हैं,
फ्लू गैस को अगर आप डिफाइन करें तो दीज आर वेस्ट गैसेस व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम पावर स्टेशंस। ठीक है, जो पावर स्टेशन से या इंडस्ट्री से, ठीक है, जहां पे अपने पावर प्लांट्स जो है वो लगे हुए होते हैं, तो वहां से ये गैसेस रिलीज होती है। फ्लू गैसेस क्या है? वेस्ट गैसेस है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज अ पार्ट ऑफ दीज वेस्ट गैसेस। तो वेस्ट गैसेस विच आर रिलीज फ्रॉम पावर स्टेशन और इंडस्ट्रीज, ये क्या कहलाती है? फ्लू गैसेस कहलाती है। नाउ रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फ्लू गैसेस, रिमूवल ऑफ removal of sulfur dioxide gas from flue gases ठीक है, removal when यानी simple क्या कहने के ये flue gases क्या है? waste gases हैं, और in waste gases में sulfur dioxide मौजूद होती है, तो removal of sulfur dioxide from flue gases is known as desulfurization। Desulfurization, ठीक है, ये क्या कहलाएगी? Desulfurization कहलाएगी। अब होता क्या है कि जो वेस्ट गैसेस आपकी रिलीज हो रही है, ठीक है, इनको हम पास करते हैं फ्रॉम अ चैम्बर। लेट सपोज हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं कि लेट्स से दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ पावर स्टेशन, ठीक है, जहां से वेस्ट गैसेस जो है रिलीज हो रही है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दीज वेस्ट गैसेस पावर एंटर इनटू अ चैम्बर वेयर, यानी यहाँ पे दिस इज एफ जी डी, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन चैम्बर, ये कहलाते हैं एफ जी डी चैम्बर। ठीक है, नाउ दिस चैम्बर इज फिल्ड विद कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये जो चैम्बर है दिस इज फिल्ड विद, यानी ये चैम्बर है, यहां से वेस्ट गैसेस जो है ये फिर एटमोसफियर में जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज एफ जी डी चैम्बर। तो एफ जी डी चैम्बर में क्या होता है? इट कंटेन्स FGD सिस्टम की बात हो रही है, इट कंटेन्स कैल्शियम कार्बोनेट विच डिकम्पोजेस ऑन हीट, यानी आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट विच डिकम्पोजेस ऑन हीट, तो वी गेट कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेस, हीट एनर्जी मिलती है, इट डिकम्पोजेस इंटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब याद रखें आपने रिमूव क्या करनी है, वी हैव टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड की नेचर क्या है कोई बताएगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस? हाँ जी, नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, व्हाट इज द नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड? इट इज एसिडिक इन नेचर, बिल्कुल ठीक है, इट इज एसिडिक इन नेचर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो इसको रिमूव करने के लिए आपने क्या किया कि वी हैव प्रिपेयर्ड अ बेसिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। तो अब ये जो एफ जी डी सिस्टम है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मौजूद होता है विच वी गेट फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दिस कैल्शियम ऑक्साइड विल रिएक्ट विद फ्लू गैसेस, और इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करता है। एंड अगेन यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एफजीडी सिस्टम में मौजूद है, दिस विल रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर बिकॉज मेटालिक ऑक्साइड है, दिस इज बेसिक इन नेचर, SO2 इज एसिडिक इन नेचर, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा? वी गेट सॉल्ट, एसिड बेस रिएक्शन होगा, एंड वी गेट सॉल्ट, वी गेट कैल्शियम सल्फाइड, ठीक है, जो कि आगे प्लास्टर वगैरह बनाने में भी काम आता है। तो अगेन ये जो रिएक्शन है, दिस इज एसिड बेस्ड रिएक्शन बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, और ये न्यूट्रलाइजेशन हो गई। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इन एफजीडी सिस्टम वी रिमूव सल्फर फ्रॉम फ्लू गैसेस बाय एसिड बेस्ड रिएक्शन। तो इन एफजीडी सिस्टम्स सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम फ्लू गैसेस removed by acid-based reaction के थ्रू आप इनको रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन चैम्बर, वेयर कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रेजेंट, कैल्शियम ऑक्साइड ये बेसिक ऑक्साइड है, इट विल रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड,
और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तो ये कहलाएंगे एफजीडी सिस्टम। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन?